मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने गीडा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गीडा के सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा जीत रही है 5 राज्यों का चुनाव, सदर सांसद रवि किशन ने दी जानकारी। सदर सांसद रवि किशन ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर की गई टिप्पणी पर कहा कि छठ के बाद बिहार के सभी युवा जा रहे हैं बाहर, मुख्यमंत्री महिलाओं पर करते हैं टिप्पणी, बिहार को कर दिया है बर्बाद। सदर सांसद रवि किशन ने विकास भारत संकल्प यात्रा के डिजिटल वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा यह वाहन गांव गांव जाकर लोगों को बताएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने 2 दिवसीय चलने वाले वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा पढ़ाई के साथ बच्चों की खेल में भी होनी चाहिए रुचि, अब खेल में भी बच्चे कर रहे हैं देश का नाम रोशन। गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, पुलिस लाइन के बैरक में पंखे से लटक कर पुलिस जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह ने दे दी जान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यातायात माह के तहत यातायात पुलिस की अगुवाई में सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया गया जागरूक। शहर में शाम के समय होटल व मैरिज हॉल वाले रास्ते पर रोज लग रहा है जाम, यातायात पुलिस द्वारा ऐसे होटल व मैरिज हॉल को चिन्हित कर संचालक को नोटिस भेजने की जा रही कार्रवाई। जीआरबी थाने की पुलिस को अहम कामयाबी लगी हाथ, पुलिस टीम ने ट्रेनों में चोरी व लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरे चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।